टीम इंडिया ने रचा इतिहास। तो तीसरे वनडे में 119 रन से जीता भारत। तो वेस्टइंडीज को 39 साल में पहली बार उसके घर में क्लीन स्वीप किया। तो टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। तो भारत जो है 39 साल से वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेल रही है और उसे पहली बार कैरेबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप जो है करने में सफलता मिली। तो तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। तो शुभमन गिल 98 रन बनाकर नाबाद थे। कप्तान शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और भारतीय पारी को वही समाप्त कर दिया गया। तो वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 35 ओवरों में 257 रन का टारगेट मिला, लेकिन कैरेबियाई टीम 26 ओवर में 137 रन के जो है स्कोर पर सिमट गई। ब्रेंडन क्विंग और निकोलस पुरन ने 42-42 रन बनाए। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को 2-2 विकेट मिले। अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिली। तो वेस्टइंडीज की शुरुआत जो है बहुत ही खराब रही। मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में काइल मेयर्स और जो है सुमार ब्रोस का विकेट लिया। दोनों को जो है आउट होने के बाद शाही होप ने कुछ देर तक पारी को संभाला, लेकिन वो 33 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट युजवेंद्र चहल ने लिया। एक समय ऐसा लगा कि ब्रेंडन किंग टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। वो 37 गेंद में 42 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उनको भी अक्षर पटेल ने उन्हें जो है क्लीन बोल्ड कर वेस्टइंडीज को चौथा झटका दिया। इसके बाद कोई भी कैरेबियाई बल्लेबाज भारतीय आक्रमण के सामने जो है टिक नहीं पाया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।